और एक वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में क्योंकि हम थोड़ा बिजी थे। इन दिनों में बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों ने किए बर्ड रिगार्डिंग, बेबी बर्ड के रिगार्डिंग। आज इस वीडियो में मैं उन सब क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन मैंने पिक किया है और उसका आज आंसर करने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट, आप तो लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज एक लाइक कर दीजिए। चलो मम्मी जी भी बता दिए, आपका एक लाइक हमारे लिए ही बहुत सारा प्यार है। भूटू तो लगभग बहुत बड़ा हो चुका है और ये उड़ने भी लगा है, हाथ पर उड़ के आने की कोशिश करता है। अभी तक वो तो ठीक से चल भी नहीं सकता है। इसका एज लगभग 3 मंथ है, लगभग 90 डेज। देखिए ये किस तरह से मेरे पास उड़ के आ जाता है। अभी तक तो पूरा नहीं आ सकता है लेकिन उड़ के आने की कोशिश करता है। भूटू को मैंने इन दिनों अपने हाथ पे लाने की कोशिश की वो उड़ के। आप सबने बहुत सारा क्वेश्चन किए किस तरह से बर्ड को ट्रेन करना चाहिए, मैं किस तरह से करता हूँ, ये जस्ट आप लोगों को शेयर करता हूँ, आप अपने तरफ से कर सकते हैं। सबसे पहला है बॉन्डिंग। कमी इसका अभी पॉइंट ठीक नहीं हुआ है, ये हाथ पे आने की कोशिश करता है लेकिन ठीक तरह से अभी तक आ नहीं पाता है। सो ना भुट्टू। दोस्तों इसका नाम भूटू है, बहुत सारे भूटो कहते लेकिन इसका नाम है भूटू, VUTU। आप सबने सबसे ज्यादा जो कमेंट किया है बर्ड के फूड को लेके, यानी खाना नहीं चाहता है, तो भूटू इस तरह ट्रेन हो चुका है। भूटू का एज अभी 90 डेज ओवर हो चुका है। अभी भी ये हैंड फीडिंग पर है लेकिन उसके साथ साथ मैं दे रहा हूँ ओनली ये काला चना, भिगो के काला चना मैं टूटू को भी देता हूँ और भूटू को भी दे रहा हूँ। भूटू बहुत अच्छी तरह से ये खाता है। इसके साथ साथ मैं कुछ फ्रूट भी देता हूँ, जैसे कि हो गया एप्पल, अमरूद, ये मैं एक टुकड़ा करके देता हूँ। वो अपने चॉइस के हिसाब से अपने आप धीरे धीरे वो खाता है। तो अभी से ही आपको अपने बर्ड का फूड का ख्याल रखना चाहिए, धीरे धीरे करके उसके सामने आप जो खिलाना चाहते हैं या उसके लिए जो अच्छा है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ क्या क्या फूड देना चाहिए, क्या सीड देना चाहिए। देखिए ये मेरे पास आएगा, ये मेरे पास आने के लिए बहुत उत्सुक है अभी। तो अभी से ही 3 मंथ होने के बाद ही सबसे ज्यादा बर्ड खाने का प्रॉब्लम करते हैं, यानी आप छोटे टाइम से ही उसको हैंड फीडिंग करवा के बड़ा कर चुके, वो खाने का वो आदी हो चुका है, वो फूड उसको अभी अच्छा नहीं लग रहा है। उसका एज अभी खुद से खाने की है। गुड बॉय, आमिने बोना खाना मैंने बोना, गुड बॉय। ये मुझे देखता है तो मेरे पास आने के लिए ये बहुत ही उत्सुक हो जाता है, इसको मेरे साथ खेलना है। अभी इसको खिलाने का भी टाइम हो गया है, लगभग दोपहर का 1 बज चुका है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इस उम्र में खाने के साथ, क्योंकि हैंड फीडिंग करवा के आप बर्ड को बड़ा कर चुके हैं, उसको वही खिला रहे हैं, आपको कुछ कुछ चेंज इस उम्र के साथ साथ आपको करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो कमेंट आया था कि दादा हमारा बर्ड नहीं खाना चाहता है, प्रॉब्लम करता है या उगाल देता है या उल्टी कर देता है, हमारे साथ भी होता है, भूटू भी ऐसा ही करता है। भूटू को हम जब हैंड फीडिंग देते हैं, अभी इसको हम दे रहे हैं 20 ml करके, दिन में 3 टाइम, पहले 4 टाइम खिलाते थे, कभी कभार 2 टाइम देते हैं। अगर ये कुछ खा लेता है, इसका जो एक्टिविटी है ये देखना पड़ेगा आपको, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसके साथ, ये क्या खाना चाहता है, खाना नहीं खाया है या क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारे इंसान का बच्चा भी अगर 4 या 5 साल का हो जाता है तब वो बहुत खाने के साथ प्रॉब्लम करता है, खाना नहीं खाना चाहता है, दिक्कत करता है, गुस्सा दिखाता है। हमारे इंसान के साथ भी ऐसे ही होता है, आप उसी तरह से ही इसको ट्रीट कीजिए, खाना चेंज कर दीजिए, थोड़ा बहुत आप फ्रूट दीजिए, कुछ सीड्स वगैरह आप दे सकते हैं, लेकिन वो सीड्स कौन सा, जैसे हो गया सनफ्लावर सीड, क्योंकि सनफ्लावर सीड सबसे ज़्यादा अच्छा है फेदर के लिए। फेदर अगर खराब है, अगर आपका बर्ड का एज 3 महीने हो चुका है, तब आप सनफ्लावर सीड दे सकते हैं। धान अभी ये छिलकर नहीं खा सकेगा, धान थोड़ा दिन बाद दीजिए, लेकिन हमारा टूटू को भी वो सीड्स वगैरह हम देते हैं,
मैंने देखा, जितना नोटिस किया है, भूटू भी वहाँ पर आके वो खाने लगता है, खाने की कोशिश करता है। ये तो अभी ठीक से हाथ से भी पकड़ नहीं पाता है। भूटू लगभग साइज से बड़ा हो गया है, लेकिन इसका एज ओनली 3 मंथ है, 90 डेज या 92 डेज ऐसा ही होगा। ये अभी भी हैंड फीडिंग पर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको अभी भूख लग गया है। अभी हम क्या खिला रहे हैं, जो A19 था वो तो खत्म हो गया। अभी हम इसको नॉर्मल सत्तू खिला रहे हैं, एकदम नॉर्मल सत्तू खिला रहे हैं। 1.5 चम्मच यानी 1.5 स्पून, उसके साथ 15 ml या 18 ml वाटर, हमारा जो सीरिंज है उससे ही माप के हम देते हैं। और उसके साथ हम देते हैं 2 ड्रॉप न्यूपेप्टी। इसको अभी हैंड फीडिंग देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको भूख लगा है तो इस तरह से ये खाना मांगेगा। अभी हम भूटू को ये जो नॉर्मल सत्तू है, काला चने का सत्तू, थोड़ा हाई क्वालिटी का है, बहुत अच्छे से भुना हुआ, पीसा हुआ, एकदम जो पाउडर मिल्क है उसके तरह एकदम अच्छे से घुल जाता है गर्म पानी में। ये चीज आप ध्यान रखिए, ये खाली अभी उड़ता है, मेरे पास आने की कोशिश करता है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, आप कभी भी हैंड फीडिंग दे रहे हैं या कुछ खिला रहे हैं या सीरिंज से खिला रहे हैं या चम्मच से, खाना जितना पतला होगा उतना ही बर्ड के लिए अच्छा होगा, बेबी बर्ड के लिए। कभी भी आप उसको टाइट खाना मत दे। देखिए मुझे किस तरह से खींच के ले जा रहा है, और मम्मी जी भी बहुत बिजी हो चुके हैं। अभी इसको खिलाने का टाइम हो गया है, तो अभी इसको हम खिलाएंगे सत्तू, और हम गर्म पानी के साथ उसको देंगे। उसके साथ हम देंगे न्यूपेप्टिन, आज सुबह का जो खाना था हमने खिलाया उसके साथ। ओके ओके, मुझे काट क्यों रहे हो, भूख लग गया। टूटू के बिना तो वीडियो बनता ही नहीं है। देखिए टूटू कोने में था, अभी ये आ रहा है, मम्मी आ गया है, मम्मी का प्यारा है। मम्मी अभी बना रहा है खाना भूटू के लिए, और टूटू भी ये खाता है। भूटू को अभी खिलाने का टाइम हो गया है। ये मैंने बनाया है एकदम नॉर्मल सत्तू, उसके साथ 2 ड्रॉप न्यूपेप्टिन, यहाँ पर लगभग 20 ml या 25 ml होगा। ठीक है, मैंने खिलाया था और ये अभी उल्टी कर दिया है। तो नॉर्मली इस उम्र में जब ये सेल्फ फीडिंग पर आना चाहता है या आने का उम्र है, तब ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम हर बर्ड के साथ आता है, यानी हर पैरट के साथ। लगभग इसमें 3-4 ml ये उल्टी कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि खाली आपके साथ हो रहा है, ये मेरे साथ भी, भूटू के साथ भी, हमारे पैरट के साथ भी ये हो रहा है। और टूटू आ गया है, टूटू टूटू उस्ताद, हाय टूटू, हाय। टूल पर ये दोनों अभी घर को पूरा सर पे उठा के रखता है, ये टूटू और भूटू दोनों मिलके। टूटू का तो पंख सब आ भी गया है, लेकिन ये बदमाश उड़ता नहीं है, पूरा पंख है टूटू का। बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट करते हैं, मुझे हर वीडियो पर भी दिखाना पड़ता है कि टूटू उड़ता क्यों नहीं है। पता नहीं, टूटू छोटे से ही जब से है ये खुद से ही ट्राई नहीं किए, 2-4 बार उड़ा और खुद से ही चलता है। हाय बुटू, हाय, कमी है, कमी है, कमियां बोलो तो टूटू आ जाता है, टूटू टूटू आ जाता है। हेलो, अमी नेबो ना एखन बाबा, नो गुड बॉय। ये मुझे देखता है तो बहुत उत्साहित हो जाता है मेरे पास आने के लिए। अभी तो ये फुल एकदम भरपूर खा लिया है, 20 ml 25 ml खा लिया है, अभी तो भूख नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों से बता रहा था कि फूड का प्रॉब्लम, क्या खाना देना चाहिए, तो एक चीज आप ध्यान में रखिए, थोड़ा सा अपना आइडिया आप यूज कीजिए। डॉक्टर आपके पास अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छा है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, या बर्ड एक्सपर्ट है आपके उधर, आपके जान पहचान में, तो आप उनसे कंसल्ट करें। तो मैं जो कर रहा हूँ, मेरा डॉक्टर जो बताता है, तो फिर आप ये पूछ मत लेना कि डॉक्टर का नंबर दीजिए। मैं डॉक्टर का नंबर नहीं दे सकता हूँ, कोई भी डॉक्टर बिना पेशेंट को देखे ट्रीटमेंट नहीं करेगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यूट्यूब पर भी बहुत सारा आपको डॉक्टर मिल जाएगा, आप उनसे भी जाके सलाह ले सकते हैं, या आपके नजदीक से कोई वेटनरी डॉक्टर हो तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं, उनको दिखाइए।
तो रिसेंट कुछ व्यूअर्स ने हमें कमेंट किए, वीडियो भी भेजा, जो लेग है यानी पैर वो लकवा मार गया है, तो ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है। आपके पास डॉक्टर है या बर्ड एक्सपर्ट है तो आप प्लीज उनसे विजिट कीजिए। मैं इस तरह का प्रॉब्लम अभी तक नहीं झेला है, तो मैंने जितना डॉक्टर से बात की इस बारे में, क्योंकि मुझे 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो दिया था, तो मैंने उसके रिगार्डिंग बात की है, तो डॉक्टर बता रहा था कि बेबी का हेल्थ के वजह से या क्या फूड दे रहे हैं उसमें कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। एकदम छोटे से ही आप जो खिला रहे हैं तो ज्यादातर ये प्रॉब्लम आता है जो लोग घर में बना हुआ खाना खिलाते हैं, बहुत दिक्कत है। अगर आप देखेंगे एक डॉक्टर है बर्ड, अगर आप सर्च करेंगे बर्ड डॉक्टर तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, मैंने भी उनका वीडियो देखा है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है, शायद आपको ये अच्छा भी ना लगे लेकिन मैंने ये रियल देखा है, ये प्रॉब्लम मैंने देखा है, बेबी बर्ड लाने के बाद ही बहुत सारे लोग हैं जो घर में जो चने का दाल है उसको पीस कर खिलाते हैं एकदम थोड़ा टाइट करके, और बर्ड के गले में जाके वो स्टक हो जाता है, एकदम पत्थर की तरह पूरा हार्ड हो जाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और कुछ दिन बाद वो बर्ड मर जाता है। तो मैंने ये रियल देखा है, हमारे ही एक व्यूअर्स के सब्सक्राइबर के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है और उनका भी बेबी बर्ड मर गया है, डॉक्टर के दिखाने के बाद भी वो बर्ड नहीं बच पाया। अरे वो क्या है, ये उठने की चीज है, ये खाने की चीज है। चलो मैंने अभी दिया है टूटू को और इसको अमरूद, ये थोड़ा चाट के देखता है, थोड़ा टेस्ट करता है। टूटू तो ज्यादातर यहाँ से जो सीड्स है वो निकल के खा लेता है, लेकिन बाकी का जो रहता है ये खुद से टेस्ट करता है। दोस्तों मैंने फूड के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि बड़ा बर्ड यानी जो बड़ा हो चुका बर्ड उसको क्या खाना देना चाहिए, क्या सीड्स वगैरह देना चाहिए, तो प्लीज आप उस वीडियो को जाके देखें, मैं आई बटन पर भी वो वीडियो मैं दे दूंगा तो आप जाके देख सकते हैं। बेबी बर्ड के लिए जो उनका फूड है यानी हैंड फीडिंग फॉर्मूला, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप जितने रुपए में बर्ड ले रहे हैं या गिफ्ट मिला है कुछ भी तरीके से आप उसको खाना जो बेबी के टाइम दे रहे हैं वो अच्छा दीजिए, क्योंकि वही एकदम मेन चीज है। बर्ड जो खा के बड़ा होगा उतना सा ही उसका हेल्थ होगा, उसके साथ ही वो बढ़ेगा, तो छोटे टाइम आप मत केयरलेस होइए, थोड़ा केयर करके आप उसको अच्छा खाना दीजिए, अच्छे से केयर करिए। अभी इन दोनों का टेबल रेडी हो रहा है, तो दिन में कुछ टाइम मम्मी को भी बिताना पड़ता है इन सब के पीछे, लगभग 2-4 घंटा दिन में तो लग ही जाता है। आज क्या क्या खाना दिया, ये टूटू और भुटू दोनों के लिए है, इस पे है अमरूद और एप्पल। हम लोग ज्यादा एप्पल और अमरूद देते हैं क्योंकि एप्पल और अमरूद में बहुत ज्यादा पौष्टिक तत्व है, अमरूद तो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, और एप्पल अगर आप दे रहे हैं तो एक चीज ध्यान में रखें, एप्पल का जो सीड है वो बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही डेंजरस है, आप उसको निकाल के, आप शायद सोचेंगे कि सीड है हम दे देंगे, तो प्लीज आप एप्पल का सीड आप निकाल दीजिए, वो मत दीजिए। तो ये दो खाना है और इसके साथ साथ हम देंगे थोड़ा सा तावा चना, और उसके साथ साथ हम टूटू के लिए देंगे जो सीड्स वगैरह हमने ऑलरेडी आपको मैंने वीडियो पे दिखाया था वो सीड्स वगैरह देंगे, और उसके साथ साथ भुटू भी वो खाएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना सही था, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो जरूर कमेंट करें, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके भी मैसेज कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और मम्मी के लिए एक तो लाइक बनता है, मम्मी बहुत मेहनत करता है इन दोनों बेबी के ऊपर, ये भी तो हमारा बेबी है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।